period of mathematics. Today we do volume and surface area of a cone. Cone mean if this is a right angled triangle, ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को अगर इस भुजा के चारों ओर घुमा दे, इस तरह से चारों ओर घुमा दिया, तो ये जो भुजा ऐसे घूमी, इससे बनता है इस शंकु का कोण का आधार, और ये जो भुजा घूमती है चारों तरफ, तो इससे बनता है इस शंकु का वक्र पृष्ठ। यहां से ये आधार पर लंब, ये शंकु की सीधी ऊंचाई है और ये आधार की त्रिज्या है r, ये जो भुजा, और इसको कहते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। कोण आपने देखा होगा आइसक्रीम कोण, उसकी सबसे पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, इसको लिखते हैं एल से, एंड इसका फार्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल, आर ये तिरछी ऊंचाई है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस में अगर आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आधार वृत्त है, ये होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया कोन, कोन का संपूर्ण पृष्ठ, और वॉल्यूम ऑफ कोन यानी आयतन, आयतन होता है बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर का 1/3, तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कोण जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर यानी रेडियस है आधार का 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 स्क्वायर इंटू एच, एच इज 20, 1/3 22/7 21 इंटू 20, देखिए 7 ये 3 जा 20 और 3 1 जा 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 20, ये 20, दिस इज 20, तो 21 इंटू 2, दिस इज 42, 4, 42 अगेन ऑन 4, 46 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 0, 4 एंड दिस इज 92, दिस इज आयतन सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस लंब वृत्तीय शंकु का प्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास, व्यास है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई
ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधार की त्रिज्या आर इज इक्वल टू 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला है पाई आर एल, एल माने तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल निकालने का फार्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एच 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 169 एंड दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू आर रेडियस दिया है 5 इंटू एल, एल हो गया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर 7 से ये कट नहीं रहा, इसलिए आप इस वैल्यू को, इस मान को केवल पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल 22 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ 110 इंटू 13/7 एंड दिस इज इक्वल 13 से हाँ या 11 से मल्टीप्लाई करिए 0, 11 3 जा 33 और 1 हो गया 14/7, दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 0 7 4 जा 28, 2/7 204 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के वक्र पृष्ठ है शंकु का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक तंबू है जो कोण के शेप में है, शंक्वाकार तंबू है इस प्रकार से, जिसकी ये सीधी ऊंचाई है 14 मीटर और इसका आयतन, इसमें जो हवा भरी है, तंबू में हवा का मतलब है कि शंक्वाकार तंबू का ये आयतन, शंक्वाकार तंबू का आयतन ये है 528 मीटर क्यूब और शंकु का फार्मूला आयतन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये गिवन है 528, सो 1/3 22/7 आर स्क्वायर नॉट गिवन, ये 14 गिवन है और 528, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 528 इंटू दिस 3 इंटू 7/22 इंटू 14, ये 7 से 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, इसके बाद 11 से ये 2 टाइम्स और 11 से ये 4 और ये 8 टाइम्स, 2 और 2 ये हुआ 4 और 4 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यानी 24 एक बार में दोबारा हुआ ये 12, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी 6 मीटर ये त्रिज्या और इसीलिए व्यास हो गया 2 गुना त्रिज्या 2 इंटू 6 ये 12, 12 मीटर हो गया व्यास। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करें।